ग्राहकों के विशेष अनुरोध पर 27, 28, 29 जनवरी को सिंगापुर सिटी में एक बार फिर आवास मेले का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा हरसूद रोड पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। उनके द्वारा आके खूब गाली गलौज किया गया है और हमारे ये जागे भाई हैं, इनको फोन करके खूब गंदी गंदी गालियां दी हैं और जान से मारने की धमकी दी है। जी आज आप कोतवाली आए हैं, क्यों आए हैं, किस विषय को लेकर आए हैं? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन तिवारी हूँ, प्रभारी पशु चिकित्सालय पॉली क्लिनिक खंडवा। आज हमारे पॉली क्लिनिक में शारदा जी करके एक महिला अपनी बिटिया के साथ आई थी कुत्ते का ट्रीटमेंट कराने के लिए, जिसका मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और मेरे प्रिस्क्रिप्शन लिखने के उपरांत बाहर हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं जाकिर कुरैशी जी काम कर रहे थे, तो उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया। अब इंजेक्शन लगाने के दौरान कुत्ते के हिलने के कारण उसमें थोड़ा सा पैर से खून आ गया। खून आना जैसे नॉर्मली हो जाता है, कई बार एक जानवर हिलता है तो सुई जो अंदर रहती है इधर उधर हो जाती है तो ब्लड आ जाता है, कई बार ये रूटीन प्रोसेस है, नॉर्मल है केस। अब वो दोनों महिलाएं बहुत घबराने लगी, तो मैं अपनी कुर्सी से उठा, मैंने जाके उसको पूरा क्लीन करा, उस बाल वाल काट के उसको क्लीन करा, बंद को दिखाया कि कोई घाव नहीं है, केवल एक सुई लगने के कारण थोड़ा बहुत ब्लड आ गया होगा, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आधा पौन घंटे बाद उनका लड़का आया, क्या नाम उसका, दीपक राठौर करके, और आते ही साथ उन्होंने अपने चिकित्सालय में गाली गलौज खूब चालू कर दिया और बस उनका कहना यह था कि इंजेक्शन किसने लगाया, मैं तो उसको मारूंगा उसको, और ये क्या बोलते हैं इनका जाकिर कुरैशी जी का नंबर लिया, ये उस समय चिकित्सालय में नहीं थे, और फ़ोन करके इनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं और जान से मारने की धमकी दी है, और बोला कि आप जब भी अस्पताल आओगे मैं आता हूँ और आपके सबकी मतलब मैं देखता हूँ और उठपटांग सब तरीके की सब प्रकार की बातें की, तो उस संबंध में हम आवेदन देने आए। कहाँ पे आए हैं? कोतवाली। ठीक, कहाँ पे है आपका पॉली क्लिनिक? ये अवस्थी चौक पर। अच्छा ठीक। ग्राहकों के विशेष अनुरोध पर 27, 28, 29 जनवरी को सिंगापुर सिटी में एक बार फिर आवास मेले का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा हरसूद रोड पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं।